बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एसबीए फाइनल टर्म एग्ज़ाम 2024। एसबीए लॉगिन मेथड क्या है, पासवर्ड क्या है, क्या फोकल पर्सन एसबीए के जो पेपर है फाइनल टर्म के वो जनरेट कर सकता है या नहीं, और इसके साथ फाइनल टर्म वर्जन कितने होंगे, टाइमिंग इसकी क्या होगी पेपर की, और फाइनल टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स कितने हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने के आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से कोई दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि मजीद नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम मार्क्स के बारे में कि फाइनल टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स है वो कितने हो गए। बकायदा पहली वीडियो के अंदर ये बात क्लियर कर चुके हुए हम कि जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो इस दफ़ा 100 नंबर के हो गए, जिसमें क्या होगा 50 नंबर जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जो 50 नंबर पेपर होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। लिहाजा आप लोगों ने अपनी ऑब्जेक्टिव को बड़े तरीके के साथ तैयार करना है ताकि अपना जो 50 मार्क्स है इसे आप कन्फर्म कर सकें, फिर आपने सब्जेक्टिव की तरफ आना है। ऑब्जेक्टिव अगर अपने MCQs आप लोग बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेते हैं तो आपके फाइनल टर्म्स के पेपर में 50 मार्क्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइमिंग क्या होगी कि जो फाइनल टर्म पेपर होगा उसकी टाइमिंग क्या होगी। फाइनल टर्म पेपर के अंदर जो टाइमिंग होगी वो होगी 3 घंटे। 3 घंटे का ये पेपर होगा जो कि 100 नंबर का था। 3 घंटे आपको दे जाएगी, 3 घंटे के अंदर आपने ये 100 मार्क्स का जो पेपर है उसे सॉल्व करना होगा। 50 मार्क्स की जो ऑब्जेक्टिव होगी और 50 मार्क्स की सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से जिसको आपने सॉल्व करने होंगे और 5 क्वेश्चन के ABC पार्ट होंगे। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो फाइनल टर्म पेपर होगा उसकी जो टाइमिंग है वो 3 घंटे होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल टर्म वर्जन, फाइनल टर्म के वर्जन कितने होंगे। पैक के जो फाइनल टर्म के इस दफ़ा जो वर्जन है वो 5 होंगे। लास्ट टाइम पैक के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के अंदर 10-10 वर्जन थे, लेकिन इस दफ़ा 5 वर्जन जस्ट होंगे। उन 5 वर्जन में से कोई भी एक वर्जन आपको दे दिया जाएगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होगा। तो लिहाजा आपने अपने पेपर की तैयारी इस तरीके के साथ करनी है कि आपके पास वर्जन 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से कोई भी वर्जन आ जाए आप इजीली उसे कर सकें। तो ये भी बात क्लियर होगी कि इस दफ़ा फाइनल टर्म के अंदर 5 वर्जन हो गए, 10 वर्जन नहीं हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि SBA फाइनल टर्म एग्ज़ाम पे SBA जो लॉगिन मेथड है वो क्या होगा, उसका पासवर्ड क्या होगा और फोकल पर्सन क्या, आम आदमी या आम स्टूडेंट इस पेपर को जनरेट कर सकता है कि ये नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कि SBA लॉगिन मेथड की, तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, बकायदा हम इस मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। इस वक्त मैं SBA की फाइनल टर्म की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हुआ हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे हमें कहा जाएगा कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड आपने पुट करना है। तो ये मेरे पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल टर्म SBA 2024 स्कूल साइट लॉगिन पैनल। ये लॉगिन पैनल है, यहाँ पे फाइनल टर्म का जो SBA 2024 उसका लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने स्कूल EMS कोड लिखना है। यहाँ पे कोई भी आप लोगों ने अपने स्कूल का EMS कोड लिखना है और यहाँ पे उसका आपने पासवर्ड देना है। अब EMS कोड क्या है और पासवर्ड क्या है। EMS कोड होता है कि हर एक स्कूल को बकायदा एक EMS उसका एक कोड होता है जिस कोड की वजह से आप ये जान सकते हैं कि ये स्कूल कौन सा है। या तो नाम जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है कि स्कूल कौन सा, या फिर वो कोड जो है EMS कोड जो है वो बता देता है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे EMS कोड लिखना है किसी भी स्कूल का और फिर उस स्कूल के जो हेड है उसके पास एक पासवर्ड आएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। तो जो पासवर्ड होगा वो जो स्कूल के हेड के पास आएगा व्यू SMS, सिंपल SMS आएगा नंबर के ऊपर, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। कोई भी स्कूल होगा उसका EMS कोड आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है और उसका जो पासवर्ड है वो स्कूल के हेड के पास है, वो आपने यहाँ पे लगाना है और आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। जिन्हें आप साइन इन करेंगे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा, वहाँ से आप इजीली अपने पेपर को जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, क्या वो आम आदमी उस पासवर्ड तक रसाई हासिल कर सकता है कि नहीं। तो ये बात क्लियर है कि जो पासवर्ड है वो जस्ट स्कूल के हेड के पास जाएगा, इसके अलावा किसी के पास पासवर्ड नहीं होगा। स्कूल का जो हेड है सिर्फ वो ही इस पासवर्ड को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। इसीलिए जो कोई भी जो फोकल पर्सन है वो SBA के पेपर जनरेट नहीं कर सकता, सिर्फ जो स्कूल का हेड है जिसके पास वो पासवर्ड है वो ही इसके पेपर को जनरेट कर सकता है। अब ये बात क्लियर होगी कि SBA लॉगिन मेथड जो है वो जस्ट स्कूल का हेड होगा उसके पास पासवर्ड है उसी के साथ जो है वो लॉगिन कर सकता है।
और वो जनरेट कर सकता है, फोकल पर्सन के पास वो पेपर नहीं आ सकते। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, अपने एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने खुद ही बुक से तैयार करनी है, या फिर आपको जो इस चैनल के ऊपर पहले पेपर मिल चुके हुए हैं आप लोगों ने उसको तैयार करना है, और जो मजीद गैस आपको इस पेपर चैनल के ऊपर मिल रहे हैं आप लोगों ने उसको तैयार करने हैं। मजीद ऐसी नई वीडियो जाने के लिए हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।